हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश मिश्रा है। मैं गोंडा जिले से हूँ और मैं उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ का छात्र सैनिक हूँ। मेरी SSB बेंगलोर गई थी और मैं आपके साथ अपने 5 दिन SSB का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। पहले दिन हम 59 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया था, जिनमें से 29 स्क्रीनिंग हुए थे और 30 आउट कर दिए गए थे। पहले दिन का एक्सपीरियंस ये था कि मेरा OER अच्छा गया था, काफ़ी अच्छा नहीं कह सकते। मैंने यहाँ प्रैक्टिस की थी, कौर मैम ने प्रैक्टिस भी करवाई थी और उसके बाद हमारा PPET स्टार्ट हुआ, जिसमें से हमें पिक्चर दिखाई गई जिसमें एक लेडी थी और एक आदमी था। मैंने स्टोरी बनाई थी कि वो उसका बड़ा भाई है और उसकी छोटी बहन है और वो लोग बोर्ड की प्रैक्टिस के लिए उसकी हेल्प कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमारा नरेशन हुआ, इंडिविजुअल नरेशन, और हमने ग्रुप स्टोरी भी यही बनी थी जो कि मैंने बनाई थी। उसके बाद स्क्रीनिंग का रिजल्ट आया तो वी 29 आर स्क्रीनड इन। आफ्टर दैट आवर 5 डे प्रोसीजर स्टार्टेड। नेक्स्ट डे हमें साइकोलॉजी टेस्ट के लिए सुबह 7 बजे बुलाया गया और अराउंड 8:30 हमारा साइकोलॉजी टेस्ट शुरू हुआ। साइकोलॉजी टेस्ट में, जैसा कि आप सब जानते हैं, 11 स्टोरी आती है और 12th स्टोरी ब्लैंक स्टोरी रहती है, जो कि हम बहुत से लोग खुद से प्रिपेयर कर जाते हैं और ब्लैंक रहती है। और मैंने सारी की सारी स्टोरी ऑन द टाइम कम्प्लीट की और स्टोरीज टाइम पे कम्प्लीट हुई और अच्छी स्टोरी भी गई। और मैंने यहाँ प्रैक्टिस की थी, शिशिर दीक्षित सर ने प्रैक्टिस करवाई थी और हमारा यहाँ पे काफ़ी सेशन भी हुआ था 2-3 बार, तो उसने मेरा हेल्प किया। और उसके बाद WAT आता है, मैं 60 में से 57 WAT मैंने अटेम्प्ट किया। 3 में क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उसके सही से मीनिंग नहीं जानता था तो मैंने उसे छोड़ दिया। उसके बाद फिर SRT आती है, SRT में मैंने 42 अटेम्प्ट किया, उसके बाद टाइम अप हो गया, तो मैंने कहा इट्स फाइन बिकॉज आई थिंक दैट अबव 35 इट्स फाइन। उसके बाद फिर हमारा SDT हुआ, SDT की भी हमने यहाँ चेक करवाया था सर से, तो SDT भी मैंने एक टाइम पे कंप्लीट कर दी। और ये हमारा, इसके बाद साइकोलॉजी टेस्ट हमारा ओवर होता है। नेक्स्ट डे हमें GTO टेस्ट के लिए ब्रीफ किया गया। GTO टेस्ट में मेरा काफ़ी अच्छा गया। सबसे पहले हमारी GTO शुरू हुई, जिसमें से चूंकि मैं फ्रेशर था, मेरा पहला अटैम्प्ट था, तो हमारा ग्रुप फ्रेशर और रिपीटर में बांटा गया। वी 29, तो 7-7 एंड 1 is 8 एंड नेक्स्ट रेस्ट ऑल डिवाइड इन द रेस्ट ग्रुप बिकॉज दे आर रिपीटर, आई डोंट नो अबाउट देम। उसके बाद हमारा ग्रुप फ्रेशर था तो हमने बहुत शांति से हमारी GTO हुई, हम सब पॉइंट रख रहे थे और मैं जो बोल रहा था लोग मेरी बात सुन रहे थे और कन्विंस हो रहे थे। उसके बाद हमारी GP शुरू हुई, GP में भी मैंने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया, मेरे पॉइंट्स काफ़ी अच्छे आए थे और ये दोनों टेस्ट मेरे काफ़ी अच्छे गए। फिर हमारी PGT शुरू हुई, जिसमें से GTO सर ने बोला कि कितना टाइम लोगे, हमने 40 मिनट्स कहा PGT के लिए और आई थिंक विद इन 30 मिनट्स वी कम्प्लीटेड ऑल द 4 स्टेज। कोई और ग्रुप ऐसा नहीं था उधर पे जिन्होंने 4 के 4 स्टेज कंप्लीट किए हो, पर हमने 4 के 4 स्टेज कंप्लीट किए और मैंने जहाँ तक है ग्रुप को 2-3 स्टेज उसमें लीड भी किया था और मेरे पॉइंट्स भी ठीक ठाक थे। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे ओवर हो गया। फिर कुछ लोग का इंटरव्यू उस दिन भी हुआ था, कुछ लोग का Day 4 में होना था, तो Day 3 के लिए मुझे ब्रीफ किया गया कि आपका इंटरव्यू उसमें होना है। मैं पहला था, उस दिन मेरा सर भी दर्द हो रहा था और मेरा इंटरव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, जैसे कि चूंकि मैं सैनिक स्कूल से था तो पता नहीं क्यों मेरे इंटरव्यूअर सर ने मुझे काफ़ी डांटा किसी चीज़ के लिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछे और मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू शायद अच्छा नहीं गया है। उसके बाद हमारा Day 4 था, लेकिन मैंने अपने Day 4 के GTO काफ़ी अच्छे तरीके से किए, पूरे जोश के साथ किए, पूरे मोटिवेशन के साथ किए और हमारा मेरा GTO का जो इनफॉर्मल इंटरव्यू था वो भी काफ़ी अच्छा गया। और इसके बाद फिर अराउंड 12 हमारा सारे टास्क फिनिश हो चुके थे और अगले दिन हमारा कॉन्फ्रेंस था, तो कॉन्फ्रेंस के पहले सभी लोग मंदिर जाते हैं, उधर पे एक मंदिर बनाया और पूजा करते हैं। उस दिन आई थिंक सबका हार्ट बीट ज़्यादा रहता है और फिर कॉन्फ्रेंस में मुझसे पूछा जाता है कि हाउस और स्टे आपने क्या चीज़ें सीखी, तो मैंने वो बताया क्या क्या सीखा। फिर हम चूँकि 2 बैचमेट गए थे तो उन्होंने पूछा कि हाउ वॉज योर 2nd बैचमेट परफॉर्मेंस एंड हाउ यू परफॉर्म, तो वो भी मैंने बताया। उसके बाद कॉन्फ्रेंस हुआ और कॉन्फ्रेंस में हम 29 में से 12 लोग को रेकमेंड किया गया, जिनमें से एक मैं था। और जब मुझे रेकमेंड किया गया तो मैं काफ़ी खुश था, वो सारी मेहनत जो मैंने की थी। कुछ सेकंड के लिए तो मैं ब्लैंक था कि शायद मैं हो गया, मैं काफ़ी खुश था। उसके बाद जो सारी मेहनत मैंने की थी, मेरे दोस्तों के सपोर्ट, मेरे टीचर्स के गाइडेंस, यहाँ कोचिंग से गाइडेंस, सब मुझे याद आ रहे थे और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा 5 दिन का। थैंक यू।
फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर चहार है। मेरा नाम आयुष शुक्ला है। मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है। माय नेम इज विक्रांत साहू। एज यू ऑल नो, आई गॉट रिकमेंडेशन फ्रॉम एफएसबी गांधीनगर। हाल ही में मैंने इलाहाबाद के 11 एसएसबी बोर्ड से इंडियन आर्मी में रिकमेंडेशन प्राप्त की है। आई गॉट रिकमेंडेड फॉर एनडीए 145 कोर्स एंड आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 11 एसएसबी इलाहाबाद। आई गॉट रिकमेंडेड इन नेवी 10+2 बीटेक एंट्री। आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का। क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के इलाइट एसएसबी पैनल से। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।